तो जो तीसरा पार्ट है हमारा यहाँ पर वो है ग्रामर्स। तो ग्रामर्स होता क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ग्रामर्स, ठीक है। पहले मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर का एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ग्रामर्स जैसे बोला, मैंने बोला दीज आर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, दीज आर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। एक्चुअली जो ग्रामर है वो काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे कि ग्रामर के अंदर हमारे पास होते हैं पहले नॉन टर्मिनल्स जिसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, दूसरा टर्मिनल्स, तीसरा प्रोडक्शन रूल्स एंड नेक्स्ट इज सेंटेंसेस, ओके, जिसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, देखो इंग्लिश के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स क्या है, मैं प्रोडक्शन रूल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। एक सिंपल से सिंपल प्रोडक्शन रूल मैं लूँगा, जैसे कि अगर मुझे किसी सेंटेंस को बनाना है, अ सेंटेंस जो है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, अ सेंटेंस कैन बी क्रिएटेड बाय नंबर वन अ नाउन फ्रेज प्लस अ प्रेडिकेट, नाउन फ्रेज प्लस अ प्रेडिकेट, ठीक है। उसी तरीके से एक जो नाउन फ्रेज है, अ नाउन फ्रेज कैन बी क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ आर्टिकल एंड अ नाउन, ठीक है। उसी तरीके से प्रेडिकेट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग वर्ब, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये दीज आर पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूँ, आर्टिकल हम कौन से यूज़ करेंगे, आर्टिकल कैन बी अ सेट ऑफ अ और द, दीज आर आर्टिकल। उसी तरीके से फॉर नाउन आई कैन यूज बॉय, डॉग, कैट एक्सेट्रा, और उसी तरीके से जब मैं वर्ब की बात करूँगा, फॉर वर्ब आई कैन यूज वॉक्स, रन्स, ईट्स, स्लीप्स एक्सेट्रा, राइट। तो इस तरीके से वी हैव वर्ब्स। तो ये जो हमारे पास हैं, ये सभी दीज आर कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन रूल्स, दीज आर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। अब इन सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स के अंदर ये हमें रूल्स मिल चुके हैं, अब हमें मिल चुका है कि इसमें प्रोडक्शन रूल्स में दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान दी है, दो चीज़ें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, वो पहला है हमारे पास वेरिएबल्स या फिर नॉन टर्मिनल्स। अब वेरिएबल्स नॉन टर्मिनल्स क्या हैं, देखो नाउन फ्रेज, प्रेडिकेट, सेंटेंस, नाउन फ्रेज, आर्टिकल, नाउन, प्रेडिकेट, आर्टिकल, नाउन और वर्ब। ये जो सभी मैंने ब्लू कलर में टिक किए हैं, ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि इनको किसी दूसरी चीज़ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस को, सेंटेंस इज अ वेरिएबल जो कि डिराइव कर रहा है नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट को, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस को इन दो चीज़ों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये भी एक वेरिएबल ही है, सो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ वेरिएबल। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास टर्मिनल्स, वो है हमारे पास टर्मिनल्स। अब यहाँ पर टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, देखो ए, द, बॉय, डॉग, कैट, वॉक्स, रन्स, ईट्स, स्लीप्स। यानी कि जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे तो आप इसको फर्दर किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते, ए को आप फर्दर किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब एज्यूम करो मुझे किसी मुझे सेंटेंस की प्रोडक्शन करनी है, मुझे किसी सेंटेंस को बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अब इसकी मैं सबकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में भी इस पूरे ग्रामर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जहाँ पर मैं सेंटेंस लिखूँगा, यानी कि मैं एस को लिखूँगा, ठीक है, नाउन फ्रेज एंड प्रेडिकेट, सो नाउन फ्रेज एंड वी हैव प्रेडिकेट, ठीक है। और दिस नाउन फ्रेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय
आर्टिकल एंड नाउन. उसी तरीके से दिस प्रेडिकेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ब एंड दिस वर्ब कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ब कैन प्रेजेंट बाय वॉक्स रन्स ईट्स एंड स्लीप्स. सो इट इज वॉक्स रन्स ईट्स एंड स्लीप्स. उसी तरीके से दिस आर्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द और ए एंड दिस नाउन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बॉय गर्ल कैट डॉग एक्सेट्रा. राइट, तो ये मैं बस इसको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे. देखिए अब मुझे सेंटेंस की प्रोडक्शन करनी है. सेंटेंस की प्रोडक्शन कैसे होगी? अ सेंटेंस कैन डिराइव अ नाउन फ्रेज और अ प्रेडिकेट. फर्दर दिस नाउन फ्रेज कैन बी पार्टीशन इन टू आर्टिकल एंड नाउन. तो एक सेंटेंस से हम नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट बना सकते हैं और उसी तरीके से इस नाउन फ्रेज से हम आर्टिकल और नाउन बना सकते हैं और इस प्रेडिकेट से हम यहाँ पर वर्ब बना सकते हैं. अब देखो जहाँ पर भी मुझे आर्टिकल लिखना हो तो आर्टिकल की जगह पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, द और अ, ए, कुछ भी लिख सकता हूँ. लेट अस से मैं ए लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल आ गया हमारे पास ए. ठीक है, नाउन, तो नाउन क्या है, बॉय गर्ल कैट डॉग, तो मैं इनमें कुछ भी लिख सकता हूँ. ठीक है, तो वो लेट अस से मैं इसमें से लिखता हूँ गर्ल, तो यहाँ पर आएगा नाउन हमारे पास गर्ल. अब जो वर्ब है, वर्ब क्या है हमारे पास, वॉक्स रन्स ईट्स एंड स्लीप्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट अस से ईट्स, अ गर्ल ईट्स, है ना. तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास बना एक सेंटेंस, ये हमारे पास बना एक सेंटेंस. तो पूरे एक ग्रामर के अंदर अगर आप रफली ग्रामर को छोटे से छोटे फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ग्रामर के अंदर हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हैं. इन प्रोडक्शन रूल्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं और टर्मिनल्स आते हैं. यहाँ पर टर्मिनल्स क्या थे, बॉय कैट ईट द वगैरह वगैरह. और उसी के साथ हमारे पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स आती हैं जिस जो बताती है कि हम सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं. और फिर लास्ट में हमारे पास सेंटेंसेज आते हैं जो कि इनके कॉम्बिनेशन से हम इन रूल्स की और इन वेरिएबल्स और टर्मिनल्स की कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे सेंटेंसेज. अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, एक मैं इसको यूज़ आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर. अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं पार्स ट्री. ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं हम पार्स ट्री. ठीक है, पार्स ट्री. अब मैं इस पूरे ग्रामर का एक यूज, सिंपल सा यूज़ आपको बताता हूँ. ठीक है,